ये वही आमिर खान है जो कि पीके मूवी में हमारे आराध्य भगवान शंकर को बाथरूम में दौड़ाता है, और फिर वहाँ बाथरूम में उसके बक्से को देखेंगे जो एक बक्सा लेके चलता है, उसमें भगवान विष्णु के और फोटो लगे हुए हैं, वहाँ पेशाब करते रहता है। तो इस तरह से घनघोर अपमान, जिसके जो कि हिंदू धर्म का इतना बड़ा विरोधी हो, जो सूक्ष्म रूप से मतलब हमारे देवताओं को ऐसा मजाक उड़ाता हो जो कि बाथरूम में पेशाब करते उसको उनके मूर्तियों को रखा हुआ है, भगवान शंकर को दौड़ा रहा हो। उसके अलावा ये इसका प्रोग्राम आता था एक सतमेव जयते, उसमें इसने कहा था कि जो हिंदू लोग चढ़ाते हैं या जो भी लोग भगवान शिव को जो दूध चढ़ाते हैं वो गरीबों को अगर दे दिया जाए उस पैसे को या उसको दूध को तो उनके लिए बड़ा अच्छा होगा। तो हम तो यही कहेंगे कि भाई कि ये मूवी वगैरह ऐसे लाल सिंह चड्ढा और जो भी ऐसे विधर्मी लोग जब जिसको कि हिंदू धर्म का ही अपमान करना है हर समय, और इनको ये नहीं दिखता था उस सत्यमेव जयते में कि ये ट्रिपल तलाक, उनके अंदर हलाला, उनके अंदर तरह तरह के जो कुरीतियाँ हैं उसके खिलाफ उन्होंने आज तक एक शब्द नहीं बोला होगा। तो हमें ऐसे लाल सिंह चड्ढा देख करके पैसा क्यों वेस्ट करना चाहिए? हम तो आमिर खान का जो मैसेज है ना उसी को हम रिपीट करते हैं कि भाई ये जो पैसा 100, 200, 300 का टिकट का लेते हो, या तो किसी गरीब को या किसी ऐसे व्यक्ति जिसको बहुत तकलीफ़ है उसको दे दिया जाए तो वो ज़िंदगी भर आपको याद रखेगा, आशीर्वाद भी देगा और आप पुण्य के भी भागी बनेंगे। वो जाकर देखेंगे वैसे फालतू का फिल्म, तो एक तो उस विधर्मी को पैसा मिलेगा, वो हिट होगा, वो खुश होगा, और फिर वही हिंदू धर्म के खिलाफ काम करेगा, फिर वो ऐसे ही लॉबी के साथ मिल करके ऐसा दुष्प्रचार करेगा। भारत में उनकी पत्नी को डर लगता है, काहे को डर लगता है भाई, और वही जाते हैं भारत का सबसे बड़ा दुश्मन टर्की के राष्ट्रपति के पत्नी के साथ सेल्फी लेते हैं और उसके वो गुरु बन जाते हैं वहाँ पर, जो कि भारत के खिलाफ हमेशा आग उगलते रहता है। तो ऐसा अगर देखा जाए तो आमिर खान की जो पूरी चरित्र है वो एक तरह से भारत विरोधी भी है। जिसने स्टेटमेंट दिया कि हमें डर लगता है वो भारत विरोधी स्टेटमेंट था। आप अपने देश को बदनाम कर रहे हो, इतना सुंदर देश पूरे विश्व में कहीं नहीं है। आप अमेरिका में देखिए डेली ढा 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 वहाँ पर फायरिंग होते रहता है और लोग 30-40 मर जाते हैं। भारत में ऐसा नहीं होता कि स्कूलों में आगे कोई फायरिंग कर दिया, ठीक है आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, लेकिन पिछले 2014 से अभी तक एक भी घटना नहीं हुई है। और इसमें हम लोग को साधुवाद देना चाहिए भारत के गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को, कि जब से सरकार बनी है सब चीज़। तो हम शॉर्ट में यही बोलेंगे कि इस फिल्म को पूरी तरह से बहिष्कार करके ऐसे विधर्मियों को धूल चटाने का टाइम आ गया है, और आप अब नहीं करोगे तो बाद में फिर ये वही काम करेंगे।